राइटर्स और आर्टिस्ट निकालेंगे अपनी अपनी भड़ास, क्योंकि राइटर बन गए हैं आर्टिस्ट और आर्टिस्ट ने पहन लिया है राइटर का लिबास। प्लीज वेलकम कृष्णा एज अ न्यू राइटर, सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज कॉमेडी सर्कस राइटर राज शांडिल्या। क्या बात है, क्या बात। अपना चश्मा और कोट लेके जाओ। अब कुछ नहीं रहा, कृष्णागिरी खत्म हो गई है। नमस्कार, अब मैं राइटर बन गया हूँ। सोहेल भाई क्या है? दबंग टू सरबाल भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, सुपर हिट हो गई पिक्चर। अबे बताओ, आपकी इज्जत करें या छोड़ दे, कुछ तो बनाओ यार। आप क्यों इतना हंस रही हैं? आपने भी बोल बच्चन के बाद कुछ नहीं किया। वहां मेरी माँ बनी थी, यहाँ बाप बनी बैठी, 8-8 नंबर। एक्टर राइटर बन गए, राइटर एक्टर बन गए, बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे ही लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, लिखना बहुत आसान है यार, इतना इजी है। मैंने कल ही चैनल वालों को लेटर लिखा, मुझसे मत लिखवाओ, कुछ नहीं हो पा रहा। ये राइटर लोग स्टार बन गए, हमारा राज शांडिल्या इतना बड़ा स्टार बन गया, क्या बताऊं। कल विपुल जी को फोन करके बोलता, सर आप अपना ये प्रोडक्शन हाउस बेच रहे हैं? बोलते आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो भैया? बोलते पहले मैं तो राइटर था, अब एक्टर बन गया, अब तो बिकवा के ही रहूंगा भैया। साला कुछ थॉट ही नहीं आ रहा यार दिमाग में। मैंने पेपर पे बस ऊपर भगवान का नाम लिखा, उसके बाद कुछ नहीं आ पा रहा है अर्चना जी। भगवान भी सोच रहा होगा, बेटा 8-8 नंबर की स्क्रिप्ट में मेरा नाम मत लिख। आई डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विद 8-8 नंबर स्क्रिप्ट। यार यार कल रात से परेशान हूं। हाँ एक थॉट आया। मेरा सुसाइड नोटिस में मरना चाहता हूँ। मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मरने से पहले थोड़ी चाय पी लूँ मैं यार, सुबह से सर दर्द हो रहा है मेरा, रात भर जागा स्पॉट दादा। हेलो श्रुति जी, ये लीजिए आपकी चाय और ये आपकी दवाइयाँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये दवाइयाँ आप 40 साल लगातार खाएंगी ना रोज, तो एक ही दिन में ठीक हो जाएंगी, लास्ट वाले दिन में। ये कुछ नहीं है, अब रखिए। क्या बकवास करता रहता भाई, इतना टाइम काहे को लगाते तू आने में? आई एम सॉरी सर, मैं बाहर एक जरूरी चाय पी रहा था। जरूरी चाय? ये जरूरी चाय क्या होती है भाई? सर वो बाहर चाय में ना मक्खी पड़ गई थी। अच्छा। तो बाहर विपुल जी खड़े हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नहीं पीनी। कहते चाय वेस्ट नहीं कर सकते, ये आपको जरूरी पीनी पड़ेगी, तो जरूरी चाय होगी। ताले मक्खी वाली चाय पीता है तू? छी छी। सर वो जज पी रहे हैं, हम नहीं पी सकते। क्या बात कर रहे हो आप, जज को मक्खी वाली चाय पिलाते तुम लोग? ओहो सर, ये छोटा सा एक बदला होता है आप। अच्छा। समझो वो चावल में इतना बड़ा बकरा डाल के कहते ये बिरयानी खाओ, तो हम क्या चाय में मक्की डाल के उनके लिए खिला सकते हैं? अब बकरा नहीं आता चाय में, हम कहां से डालें यार? इट इज टू मच यार, आई एम वेरी हैप्पी यार। अरे बंटा, ये तमीज होनी चाहिए बात करने की हम लोगों के साथ, तुम लोगों को। ये ही बनता तेरा साले, वो खत्म हो गया काम सर। ए अर्चना जी नमस्ते, उधर स्टैंडिंग विशन 10-10 नंबर खत्म, अब तू राइटर बन चुका है कमीने, खत्म। अरे नहीं यार, अरे प्लीज चाय पिला दो यार, प्लीज। चाय कहाँ से पिलाएं? हमारी प्रॉब्लम है, एक बूंद दूध नहीं है हमारे पास, कहाँ से चाय बनाए? दूध नहीं, ये क्या है? ये तो दूध है। अरे दूध है तो झूठ क्यों बोलता है, खत्म हो गया। मैं झूठ नहीं बोला, तेरी कसम अभी तू मर जाए अगर मैं झूठ बोल, दूध नहीं है ये। जब से राइटर बनाओ दूध कहीं से भी लेकर आ, तो मुझे चाय पीनी है। अभी एक मिनट तू लेट हो जाता ना, झूठा हो जाना था। मैं सच बोल रहा हूँ, एक मिनट अभी भी मेरे दांत में दूध फंसा हुआ है थोड़ा सा। साले ये दूध की चाय पिलाएगा तो, और क्या बकवास कर रहा है, दूध दांत में कैसे फंस सकता है? अरे दूध फटा हुआ है। आई 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 आई। अरे फटा हुआ है, तेरा जैसा मुंह है ना, दूध जाते ही फट जाएगा। ये सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुंह का बहुत बड़ा असर होता है। मैं तो दूध मुंह में डाला, दूध फट गया ना। हाँ। सिद्धार्थ यादव साहब है ना, इन्होंने दूध ऐसे पिया, उधर भैंस फट गई। सही बोला।
तब भी मैं सोचूं अर्चना जी पिछले हफ्ते रो क्यों रही थी, कहती है मेरी जो गांव वाली बुआ है ना वो फट गई है। मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हमारे राज साहब का है, राज साहब हमारे सुपरस्टार। राज साहब थोड़ा बिजी लेट आएंगे। क्या हो गया? वो निकुल साहब को मारने गए। मारने गए क्या मतलब? पता नहीं, राज साहब ने निकुल को फोन किया, निकुल साहब ने फोन उठा लिया, उनको बुरा लगा कि जब मैं राइटर था साले उठाते नहीं थे, अब मिस कॉल में उठा लेते हैं, तो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने। लेकिन आपको बताऊं, हाँ जी, ये शो जो आप कॉमेडी सर्कस देख रहे हैं ये हमारे निकुल जी की वजह से, उन्होंने इतनी मेहनत की, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है कि कोई राइटर पेट भर के खा तो नहीं रहा बाहर, कोई दिमाग में काजू तो नहीं सोच रहा, बहुत मेहनत। वो इस शो के लिए जितना भागा ना कुत्ते के पीछे, मैं जानता हूँ। कुत्ते के पीछे? व्हाट डू यू मीन बाय कुत्ते के पीछे? सर एक दिन बाहर वो रोटी खा रहा था, कुत्ता छीन के भाग गया, सिग्नल तक पीछे भागा उसके। लेकिन मैं सच बता रहा, फिर कुत्ते ने सोचा यार मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बड़ा है मेरे से भी। हाँ, नहीं नहीं, हिम्मत में भागने। फिर उस कुत्ते ने रोटी तो वापस की, लेकिन अपने घर गया, चार ब्रेड पीस भी उसको दिए। लेकिन फिर निकुल के दिमाग में आया कि मैं गलत हूँ, इसने दो पीस वापस कर दिए, दो खा गया। बात तो सही है यार, ये सब लोग इतने कंजूस आदमी, उस दिन डिटॉल गिर गई मालूम है? अच्छा। हाँ, वेस्ट हो जाती, इसे क्या कि अपना हाथ काटा और ऐसे डिटॉल लगा दिया। ओए, बड़ा पुराना पंच मारा। हाँ, तो ऐसे लोगों पे नया जोक थोड़ी को यूज करेंगे हम लोग। पहले एक नंबर के गुजराती हैं ये लोग, और ऐसे गुजराती है कांदा 10 रुपए महंगा हो जाता है ना, तो कहते हम जैन है, हम कांदा नहीं खाते। चल आ गए राज सर, आ गए। देखा स्टार क्या बना, ज्यादा अकड़ आ गई है। राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, राज सर, बस, अरे बस करो, आप लोगों की हंसी निकाल के छोड़ोगे? आप चाय लेंगे? कृष्णा जी आप चाय लाएंगे? लाएंगे क्या साले, स्पॉट भाई तू है। एक मिनट यार, फोन आ गया। हेलो, हाय सर, शो है? अरे वाह, शो, अच्छा डांस का शो, अरे वेरी गुड। अकेले नहीं, कश्मीरा साथ चाहिए? ओके, एक मिनट पूछ के बताता हूँ। राजी कश्मीरा जी के साथ आप डांस कर लेंगे? हाँ, है ना? अरे एक मिनट, हाँ जी हो गया, जी हो गया। नहीं नहीं, आजकल कश्मीरा उसके साथ नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी, वो खत्म बढ़ गया, अब खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट जी। जी राज सर, आपकी माँ बहन अब अलग अलग हो गई है। क्या कह रहा है? नहीं, मेरा मतलब जब आप राइटर थे तो हम आपकी माँ बहन एक कर देते, अब अलग अलग हो गई है। सर जी आपके लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एक भी डायलॉग ढंग से नहीं बोले आपने। पैंट शर्ट अच्छी पहनी है आपने, बहुत बढ़िया। कपड़े अच्छे लगाते, डायलॉग एक भी नहीं बोल पाते आप ढंग से। तूने एक भी लाइन ढंग से लिखी क्या? एक भी लाइन ढंग से नहीं लिखी, 6-6 नंबर मिलते अच्छी स्क्रिप्ट करता तुम्हें। अरे रात भर जाग जाग के लिए आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी है सर मैंने। तो इससे तो सो जाता तू, जैसे स्क्रिप्ट बहाना तो होता, स्क्रिप्ट नहीं मिली, 8-8 नंबर मिलते, अच्छा कितनी बेइज्जती होती है बल में। अरे 8-8 नंबर भी 80% होते हैं ना सर, स्कूल में कभी लिए 80% तूने? हैं, कभी राइटर बना हुआ है यहाँ पे? साला बड़ी बड़ी बातें करता है, इससे अच्छा तो स्टेशन पर कूली लग जाता। देख कर दी ना छोटी बात, कूली बोल के अमिताभ के लेवल पे पहुंचा दिया मेरे को। अबे वो तो अर्चना जी पागल है जो आजकल हंस नहीं रही है। अर्चना जी पागल है तब तेरे जोक पे नहीं हंस रही, सही होती तेरे माँ बहन की गाली देनी थी। कुछ ऐसा लिख, 10-10 नंबर चाहिए, स्टैंडिंग ओवेशन। और क्या चाहिए? स्टैंडिंग ओवेशन। ऐसी स्टैंडिंग ओवेशन? हाँ। अबे साले 1000 रुपया जो देती है ना, वो 7000 रुपये उधार लिए थे इन्होंने मेरे से, 1000-1000 करके लौटा रही है। जब पैसे लेने की बारी आई तो जानू माइंड ब्लोइंग। मैंने कहा 7000 नहीं, मैं 10000 रुपया दूंगा, जानू जानू बोल के मार्केट में मेरा नाम मत खराब करो। माधुरी, देखे कई बार गिरना पड़ता है, कई बार उठना पड़ता है, ये जीवन है। अरे बस करो यार, जब भी सोहेल भाई बन गए थे, कुछ चीजें कहीं पच्ची, कुछ चीजें ये कहीं पच्ची, जब पत्ती की चाय बना दो अब जाके।
जब देखो सोहेल भाई चप्पल बेल्ट इन्हीं की बातें करते हैं आप लोग। नहीं मैं बात तो कुछ और करना चाहता लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता कुछ चीजें कहानी। अरे नहीं यार बस। देखो आपके पास कुछ भी नहीं होता तब भी आप करते हो। हाँ। आप लोग इंजॉय करते हो लेकिन मैं वहाँ बैठ के इंजॉय नहीं करता, ये सच्चाई है। क्योंकि आप लोग मुझे मेरे पे आइटम बनाते हो, ये चप्पल पहन के आता है, लेकिन मैं कोई गरीब आदमी नहीं, ऐसा सबको पता है मैं बैंड्रा में, लेकिन आप लोग मैं इसलिए आता हूँ कि मेरे पैसे दे दें निकुल और बिल्कुल मैं पैसे दे ऐसा। लेकिन आप लोग एक मिनट लिसन हे लिसनी, हमारे पास जूतों की कमी नहीं है। कभी मेरे घर पे देखे जाके कभी मैं अरबाज के पहन लेता हूँ, कभी अरबाज होता है मेरे पहन लो, हम लोगों में कोई पंगा नहीं। लेकिन कोई झगड़ा, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? अरे सर ये कैसा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा स्टार बन गया, एक भी लाइन तो बोली नहीं जाती, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है मैंने। क्या कहता क्या स्क्रिप्ट के बारे में? अरे कहता घटिया स्क्रिप्ट है ये। घटिया? ये कहाँ से आई आपके पास? किसान की स्क्रिप्ट कैसे? किसान की नहीं, इसने लिखी है। आपने लिखी है? देखिए मैं स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानता नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं जैसी की नॉलेज नहीं, मैं क्यों बोलू, मैं तो वहां भी चुपचाप बैठता, ये बोलती तो मुझे भी साथ साथ बोलना पड़ता, मेरे को कुछ पता नहीं एक्चुअली। मेरे को मैंने कभी अपने मुंह से कहा जाजू ये आप लोग जज, मैं तो क्राइम पेट्रोल का इधर ऑडिशन चल रहा था, मैं आया था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इंजॉय करेंगे, लेकिन वो इन्होंने अनूप सोनी को दे दिया और सोनी टीवी वालों ने सोचा कि सोनी नाम है चलो मिल जाएगा उनको रख लिया। तो मैं स्मार्ट लगता हूँ, कहते जब तक जज नहीं मिलता यहाँ बैठ जाओ, मैं बैठ गया, मेरा क्या है, मेरे मन में भी कुछ नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, स्क्रिप्ट की बात करिए, आप अपनी बातों में लग गए सर, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है, पढ़िए तो सही। एक देखो बढ़िया देखा हसन के पागल हो गए। ये तूने लिखी है? कृष्णा सच्ची बताना, आपने अपनी दाढ़ पे किसी जज का मुक्का खाया? नहीं। क्या लिखते तुम लोग? अरे सर तो फिर ये नहीं लिखी तो स्क्रिप्ट कैसी हो सर, आप बताओ तो सही। आप बताइए स्क्रिप्ट कैसी होती है, आप तो राइटर रह चुके। ऐसे तुम लोग बेइज्जती करते हो राइटरों की, तुम्हें पता है राइटर होता क्या है? सारी रात लालटेन के उजाले में बैठ के वो स्क्रिप्ट लिखता है ताकि इस रोशनी की चकाचौंध में आप लोगों को हंसा सके, आप लोगों का मनोरंजन कर सके। राइटर होता क्या है, एक जान होती है तो राइटर उसकी आत्मा होती है। एक्टर राइटर दोनों हाथ की हथेलियों की तरह होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो इन ऑडियंस की ताली बनती है। तू क्यों रुक गया ताली बजाते हुए? यह होता है एक एक्टर एक राइटर। मेरा किधर है? एक मिनट, एक डायरेक्टर, एक मिनट रुक, बात सुन, बचा है एक। हाँ एक डायरेक्टर क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी एक बात सुन, इलाका बात सुन, बात सुन। एक से पहले ये ज्यादा बजा सुना जी, मार्क्स दे दो, स्टैंडिंग ओवेशन खत्म। भाई आपने जो हंसा हंसा कर हम सबको मार डाला है, देखते हैं कि जजेस में हिम्मत रही है कुछ कहने की कि नहीं। अर्चना जब कृष्णा आपने अपना स्टैंड अप शुरू किया मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था मैं आपको 10 दूंगी। दिस इज अ फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैसे कॉमेडी में अगर आप माधुरी भी कर रहे हो तो इतने इनोसेंट से, और उस छुट्टेपन के लिए आज मैं आपको 500,000 नहीं छुट्टा ही दूंगी, ये लीजिए। लव यू कृष्णा सुदेश एंड सिद्धार्थ, अमेजिंग। थैंक यू सोहेल। दिस होल एक्ट एंडेड विद अ सटायर, एंडेड विद अ मीनिंगफुल, जो आप लोग कहने आए थे आप लोग ने कहा, लेकिन आप लोग ने हंसा हंसा के कहा, दिल खुश करके किया, सो फॉर दैट फैबुलस इज द राइट स्टेज विद कॉमेडी, अनबिलीवेबल, अनडाउटेडली 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ द जजेस। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.